नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में सवे बारात की रात को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस दुनिया में जा चुके लोगों के लिए कब्रिस्तान जाकर मांगे दुआएं। मंग फिरत सवे बारात की रात को कब्रिस्तानों में खूब रौनक रही, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्रिस्तान जाकर लोगों के लिए दुआएं मांगी। वहीं मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने घर पर रहकर नवाज एवं दुआ की। आपको बता दें कि सवे बारात साल में एक बार आती है, जो रमजान में कुछ ही दिन पहले आती है। इस रात में मुस्लिम समुदाय के लोग दुआ मांगते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं को द्वारा बताया जाता है, आज की रात अल्लाह के यहाँ पूरे साल का हिसाब लिखा जाता है। इस साल किसको कितना रिजक रोजी मिलेगी, किसकी मौत होगी, कौन पैदा होगा, सब कुछ आज के दिन अल्लाह के यहाँ लिखा जाता है। इसलिए आज की रात को मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ही अहम मानते हैं। आज की रात मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी रात जागकर अल्लाह की इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं और तौबा करते हैं। आपको बता दें कि सव यानी रात और बारात का मतलब होता है बरी होना। सवे बारात के दिन इस दुनिया को छोड़कर जा चुके लोगों की कब्रों पर उनके प्रियजनों के द्वारा रोशनी की जाती है और दुआएं मांगी जाती हैं। इस दिन अल्लाह से सच्चे मन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और जन्नत से जगह मिलती है। समुदाय के लोग सवे बारात के अगले दिन रोज़ा रखते हैं। सवे बारात मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्यौहारों में से एक है। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए तावीज कुरैशी फैजान की रिपोर्ट। आपका नाम? मोहम्मद कसीम। कसीम, आज की रात क्या होता है, जागते हैं मुस्लिम समुदाय के, किस तरह से मानते हैं? आज शबे बारात चलाई जाती है। आज के दिन जो हमारे अपने भाई बंधु रिश्तेदार माँ बाप जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके लिए मगफरत की दुआ करते हैं, इबादत करते हैं पूरी रात। आज की रात इबादत की है उन सब के लिए जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। और भाई कल फिर सुबह का रोज़ा रखते हैं, कल का रोज़ा भी होता है, तो आज के दिन बहुत अव्वल बताई गई। पूरी रात जागते हैं आप? जी बिल्कुल, पूरी रात जागते हैं हमारे साथ। आपका नाम? गालिब शाह। गालिब शाह, आज के दिन इबादत करते हैं आप लोग, किस तरह से मानते हैं आज की रात? आज की रात सब कदर की रात है। पूरे साल में जो अच्छे या बुरे काम किए हैं उसका अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब होता है। नमाज पढ़ते हैं, इबादत पूरी रात इबादत के लिए है। पूरे मुल्क के लिए दुआ मांगते हैं, चैन अमन के लिए दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं कि हमारे देश में दुनिया में सुकून रहे, अमन रहे। और कब्रिस्तान जाते हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने घर परिवार के बड़े लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी मगफरत की दुआ करते हैं, हर गुनाह की तौबा करते हैं। ये रात साल में एक दफ़ा आती है, हो सकता है अगले साल हम हो या ना हो। आज हम जो दुनिया चले गए हैं उनके लिए दुआ मांगने आए हैं, कल हमारे लिए कोई और दुआ मांगने के लिए आएगा, तो ये बहुत खुशनसीबी रात है। तो क्या है सर, रात में सिर्फ मर्द जो जेंट्स होते हैं वही दुआ करते हैं या महिलाएं भी घर पर? नहीं, घर में औरतें इबादत करती हैं, पूरी पूरी रात इबादत करती हैं। कल रोज़ा है, मर्द भी रोज़ा रखते हैं, औरतें भी रोज़ा रखते हैं, बच्चे भी इबादत करते हैं, क्योंकि इबादत की रात है। और 15 दिन के बाद रमज़ान शुरू होने जा रहा है, उसके लिए तैयारी की जा रही है, आने वाला वक्त सही हो। आपका नाम? मोहम्मद तस्लीम। तस्लीम, आज की रात किस तरह से मांगते हैं? आज की रात इबादत की रात है, सब कदर की रात होती है। आज के दिन जो हमारे मरहूम हैं, जो गुजर गए, उनके लिए दुआ करते हैं, कब्रिस्तान में जाके इबादत करते हैं, पूरी रात जागते हैं आज के दिन। और जो हमारी महिलाएं हैं वो घर में जाके में पढ़ाई करती हैं, घर में इबादत करती हैं, सलाम पाक करती हैं, और रात को शहरी भी आज और कल का रोज़ा है, ये इबादत की है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।